तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑप्टिमस गेमिंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले परफेक्ट एम लॉक की ट्रिक के ऊपर, क्योंकि अगर आप एक परफेक्ट एम लॉक कर पाते हो ना तो आप सभी गन से बहुत ही आसानी से वन टैप मार सकते हो, चाहे वो डिजर्ट ईगल हो, M1880 शॉट गन हो या आपका ड्रैगन हो, स्केस कुछ भी हो। तो अगर आप ये वाली वीडियो पूरे एंड तक देखते हो तो आपका एम लॉक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको तीन चार कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको देखने के बाद आपका एम लॉक बहुत ही अच्छे से होने लग जाएगा। और अगर आपका एम लॉक एक बार अच्छे से हो जाता है ना तो आप किसी भी एनिमी को परफेक्टली वन टैप दे सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ओपी ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो यस, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम पास के। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल वाला आइकन दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे। तो चलते हैं ट्रिक नंबर वन के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला क्लिप आप देख सकते हो कि मैं जब एनिमी पे शूट कर रहा हूँ या ड्रैग कर रहा हूँ तो अगर मैं एम को बाहर करके ड्रैग करता हूँ ना तो एनिमी पे जो हमारा बुलेट्स है वो एक भी कनेक्ट नहीं होता। तो आप भी ये वाला ट्रिक यूज़ करते हो और यही वाला ट्रिक के कारण आप जंप करते हो, दौड़ के जाते हो और इस टाइप से फायर कर देते हो, आपका एम जो है वो ऊपर पहुँच जाता है या तो बॉडी पे कनेक्ट हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत एम को सही करके मारते हो। तो ये ट्रिक आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपका ऐसे नहीं लगता है तो कुछ आपको नूब वॉक करना है इस टाइप से और फिर आपको ड्रैग करके शूट करना है। और ये बात ध्यान रखो कि ड्रैग आपको तभी करना है जब आपका एम जो है एनिमी के बॉडी पे आ जाए, और जैसे ही बॉडी पे आता है तुरंत आपको ड्रैग करना है। जैसे कि आप इस क्लिप पे देख रहे हो स्लो मोशन में, तो ये देखो जैसे ही हमारा एम बॉडी पे आता है आपको तुरंत ही ड्रैग कर देना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नहीं तो वो एम एकदम ज्यादा परफेक्ट लॉक हो जाएगा और आपका बॉडी पे पड़ जाएगा। सो ये वाला ट्रिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस ट्रिक को यूज करना। और उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, तो अगर आप खड़े बंदे को मारने चाहते हो ना तो इस टाइप से ड्रैग करो, आप पैरों के नीचे से आपको एम को ऊपर खींचना है और परफेक्टली ड्रैग हेडशॉट यहाँ पे आपका लगेगा। सो ये वाला ट्रिक को जरूर से यूज करना। अब चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर टू की ओर। तो अभी मैं आपको ड्रैग करने का एकदम सही ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बंदे जैसे दिखते हैं इतना जोर से ड्रैग कर देते हैं ना कि वो आसमान में पहुंच जाता है। तो अभी मैं एकदम ही सही ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट रेंज में एनिमी आ जाता है तो मेरे को जोर से ड्रैग करना पड़ता है, जैसे कि आप इस क्लिप पे भी देख सकते हो। और इसको मैं स्लो मोशन में अगर आपको दिखाऊं तो देखो जैसे ही मैंने उसके ऊपर फायर किया, एम लाया उसके ऊपर और जैसे ही एम अच्छे से कनेक्ट हो गया मैं उसको एकदम स्पीड से ड्रैग कर दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट रेंज में जब आपका एनिमी हो ना तो आपको जोर से ड्रैग करना पड़ेगा, और अगर आपको लॉन्ग रेंज में एनिमी चला जाता है तो आपको थोड़ा सा धीरे से ड्रैग करना पड़ेगा, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो मैं धीरे से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक प्लान होता है, ये स्ट्रेटेजी होता है कि आपको हमेशा क्या करना है ना, अगर शॉर्ट रेंज में एम होता है या बंदा होता है तो आपको जोर से ड्रैग करना है उसके ऊपर एम लाने के बाद, अगर लॉन्ग रेंज में बंदा होता है ना तो उसके ऊपर एम लाना है आपको और धीरे से ड्रैग करना है, क्योंकि आपका डिस्प्ले का साइज जो है वहाँ पर छोटा हो जाता है। सो इसलिए आपको ये वाला ट्रिक यूज़ करना है जरूर से, और सिर्फ ये सुनने का बात नहीं, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा तभी आप इसको सीखोगे। सो ये था हमारा सेकेंड ट्रिक। अब चलते हैं हमारे थर्ड और फाइनल ट्रिक में, जहाँ पर मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊँगा या कुछ सेटिंग्स के ऐसे मिस्टेक बताऊँगा जो कि हर वो प्लेयर करता है जो फ्री फायर खेलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी लगभग हर यूट्यूबर बोलता है कि आप 100 करके रख दो आपका ड्रैग हेडशॉट जो है बहुत ही अच्छे से लगेगा, बट इसके कारण क्या होता है ना कि हमारा रिकॉइल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो 100 सेंसिटिविटी करने के जगह आप 99 या 98 सेंसिटिविटी करके देखिए, अगर आपको प्रॉपर परफेक्ट रिजल्ट मिलता है तो आप इसी सेंसिटिविटी पे खेलिए, वरना अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता तो आप फिर से 100 कर सकते हो। सो ये था हमारा लास्ट ट्रिक, और इसके बाद चलते हैं हम अपना कस्टम वुड की मिस्टेक में। तो कस्टम वुड की मिस्टेक में क्या करते हैं, लेफ्ट वाली साइड में बहुत ही कम कंट्रोल्स रख लेते हैं और राइट वाली साइड में इतना सारा कंट्रोल्स डाल देते हैं ना प्लेयर्स की, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलता और बहुत कम ही स्पेस मिल पाता है मूवमेंट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन चार ही आपको कंट्रोल्स रखने, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ चार कंट्रोल्स रखे हुए हैं, फायर वाला, जंप वाला, सीटअप वाला और एबिलिटी वाला। तो ये दोनों कंट्रोल्स जो आप देख रहे हो रिवाइव एंड यूज, तो ये बहुत ही कम यूज होते हैं, बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम कंट्रोल्स रखना है, याद रखना है तीन चार कंट्रोल्स रखना है, जिससे आपको ड्रैग करने और मूवमेंट करने के लिए परफेक्ट स्पेस मिले, ताकि आप जो है अपना एम अच्छे से एनिमी पे ले जा सको। तो ये था हमारा आज का ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से कर लेना इस वीडियो के लिए, बहुत ही मुश्किल से इतना बड़ा वीडियो बनता है तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आए थे यार सब्सक्राइब करके बैल वाला आइकन दबा लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज मिलते रहे। सो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।